Okay. So it will be a really, really interesting quiz क्योंकि खाली टाइम सीरीज इंक्लूड किया मैंने एंड खाली नहीं बोल सकते बिकॉज टाइम सीरीज का कंटेंट हमें पता है कितना बड़ा है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ आर के क्वेश्चंस बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव सीन द कंटेंट ऑफ आर एंड इट इजी है इफ आई कंपेयर टू द लास्ट टाइम्स क्विज. तो आप लोग को यहाँ पे आई विल गिव यू वन टिप बोल सकते हो अगर आपको फर्स्ट आने की मन में इच्छा है तो आप लोग को इस बार फास्ट होना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मोस्टली सब सही आंसर करेंगे. तो जो सबसे फास्ट आंसर करते हैं जैसे हमारे लास्ट क्विज में भी था उसको हम देते हैं हाई ज्यादा पॉइंट्स. ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे वन टिप इफ यू वॉन्ट टू बीट अनमोल जो हमारे लास्ट क्विज के विनर थे. इफ यू हैव टू बीट हिम इफ यू वॉन्ट टू बीट हिम बिकॉज उसका हिडन डिजायर है उसने मुझे बोला है दैट ही वॉन्ट्स टू विन दिस क्विज एज वेल. सो इफ यू वॉन्ट टू विन द क्विज दिस टाइम्स क्विज यू हैव टू बी रियली रियली क्विक. टेबल बुक लेके बैठ जाओ अपने नोट्स लेके बैठे होंगे बट नोट्स से कुछ होगा नहीं अगर आप गो थ्रू करोगे तो इन 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स. सो क्वेश्चन आर ऑफ 15 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स. इस बार मैंने 10 सेकेंड्स के भी क्वेश्चन डाले हैं एंड देर इज वन क्वेश्चन ऑफ 60 सेकेंड्स एज वेल और दो तीन क्वेश्चन 40 सेकेंड्स. ऐसे ऐसे है सारे क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन लेंथ. कैलकुलेटर पेन टेबल बुक दीज थ्री आर मस्ट हैव्स जो आपके पास होने चाहिए एंड द कोड आप लोग को पता है. जिन्होंने जिनको नहीं पता आपको अपने लैपटॉप से लॉग इन करना है गूगल मीट या फिर किसी और डिवाइस से एंड यू हैव टू यूज योर सेलफोन फॉर द क्विज. ठीक है सेलफोन्स यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा रादर देन लैपटॉप्स. सो वंस यू ऑल आर रेडी विथ योर सेलफोन एंड योर टू डिवाइसेस होने चाहिए. वंस यू आर रेडी विथ दिस जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स सो आई विल गिव यू द कोड. मेंटीमीटर का कोड इज आई विल जस्ट पुट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. इट इज 6209 5636. तो आपको क्या करना है यू हैव टू जस्ट मैं अपना लिंक भी भेज दे रही हूँ. इस लिंक पे जाना है www.menti.com menti.com एंड आपको एक कोड पूछा जाएगा. दिस इज द कोड विच यू हैव टू गिव. All right, I am sharing my screen. I want all of you to switch on your cameras first. All of you. Pavni, Masba, Madhu, Ayan, Yashvi, all of you. जो नहीं कर रहे आप नहीं जीतोगे बिकॉज आई हैव सम टेक्निक्स यहाँ पे एंड मैं आप लोग को नहीं जीतने दूंगी फिर जो अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे. ओके यशवी ने अभी तक नहीं किया है कोमल ने अभी तक नहीं किया है. ऐसा क्यों आपको कोई और नहीं दिख रहा मेरे अलावा इतना शर्माने की जरूरत नहीं है. माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू हुज कैमराज आर ऑन. ठीक है सो वी हैव 23 पीपल जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है बट आई हैव सो मेनी ऑफ यू इन द गूगल मीट. तो एक जन ने और दो जनों ने और ज्वाइन किया. मेक श्योर आप अपना नाम दे रहे हो. अगर आपने अपना नाम नहीं डाला है प्लीज वापस से लॉग आउट करके वापस से कोड डालो एंड अपना नाम डालो क्योंकि अगर आप अपना नाम नहीं डालोगे तो आपको अगर आप जीतोगे तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा. इवन इफ यू क्लेम दैट आई एम दैट पर्सन आपको नहीं मिलेगा प्राइज. ओके सो आई एम वेटिंग क्विकली 6:15 पे हम स्टार्ट करेंगे. जिनको प्रॉब्लम हो रही है ऑल कैन राइट इट डाउन इन चैट बॉक्स अगर कुछ इशू हो रही है.
वी हैव 25 पीपल, बट यहाँ गूगल मीट में काफी लोग हैं, कुछ लोग स्पेक्टेटर्स हैं, खाली देखने आए हैं कि बाकी लोग कैसे क्विज खेलते हैं। सार्थक हो गया ज्वाइन? गुड। ट्वेंटी सेवन। सृष्टि ज्वाइन हो गया। दिशा? ग्रेट। गौरव? जिनका मुझे यहाँ पे फेस दिख रहा है उनको ही मैं पूछ पा रही हूँ। ओके, सो कैन वी स्टार्ट नाउ? कोई भी ऐसा है जिन्होंने नहीं करा है, यू ऑल कैन राइट इट ऑन इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन का हाँ यस आयान। मैंने कोड डाल दिया है एंड यहाँ पे पेज पे दिखा रहा है गेट रेडी टू प्ले बट तो लोड हो रहा है तो क्या क्वेश्चन ये लोड होगा कि क्वेश्चंस आने पे होगा क्या? आने पे होगा जब मैं स्टार्ट करूंगी। यहाँ से मैंने स्टार्ट नहीं किया। ओके ठीक है, तो आई हैव 20। अच्छा, हाउ कम आई हैव, हाँ अब ठीक है, मुझे लगा ऐसे कोई बच्चा है जो दो डिवाइस से लॉग इन कर रखा। ठीक, सो वी हैव 28 पीपल। एक ने छोड़ दिया पता नहीं किसने। शुड आई स्टार्ट? एक बार थम्स अप दिखा दो सब मुझे, एवरीवन। यश, मेघा, रचिता? यस अयान, कुछ पूछना है? नहीं ओके नहीं वो ओके, तो सो सबसे पहले एक चीज मुझे बोलना है कि नो वन विल अनम्यूट योर सेल्फ ड्यूरिंग द क्विज। अगर आपको कुछ बोलना है, यू ऑल कैन सिंपली रेज योर हैंड और यूज द चैट बॉक्स। ठीक है, एंड टाइम कंस्ट्रेंट याद रखना। फास्टेस्ट, जो जिनको रूल्स नहीं पता, जो सबसे फास्टेस्ट आंसर करता है उसको भी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। सो इट्स नॉट ओनली करेक्टली आंसरिंग, इट्स करेक्ट फास्ट एंड करेक्टली आंसरिंग। ठीक है, तो दोनों चीज है। यू हैव टू बी इफेक्टिव एंड एफिशियंट बोथ टू गेट द फर्स्ट प्राइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुड आई स्टार्ट द क्विज? ग्रेट, चलो मैं स्टार्ट करी हूँ। एंड जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करती हूँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एंड इट विल बी ऑफ 10 सेकेंड्स। सो गेट रेडी, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। If we can express ET in terms of XTs only, the process is said to be. Oh, great, great, great! सबने आंसर कर दिया है। Great, and the time's up. Let's see. Okay. तो जितने भी लोगों ने आंसर किया, सबने बोला इनवर्टिबल। तो वही मैंने बोला, क्विज थोड़ा इजियर है इस बार, बट देखते हैं किसने फास्टेस्ट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का स्पीड भी मैटर करता है, तो अगर कोई क्रिप मत करना बस कि इंटरनेट स्लो था, ये सब मत बोलना। लेट्स सी, सबसे फास्टेस्ट किया है। सो मेरे लीडर बोर्ड में टॉप 10 लोग हैं। बाकी लोग, अगर आप नहीं आ रहे हो लीडर बोर्ड में, इसका मतलब अवंती हैज आंसर्ड फास्टेस्ट। कहाँ है अवंती? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी यू। ग्रेट अवंती, ग्रेट। चलो आई वॉन्ट, ओह टॉप 3 देख लो बस। ऑल माई गर्ल्स, अवंती, भाविका, मेघा, ऑल माई गर्ल्स। चलो अनमोल, देखो बेचारा फोर्थ आ गया। कोई नहीं, सो टॉप 3 गर्ल्स हैं एंड मुझे गर्ल्स ही चाहिए आज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक कुछ लोगों ने एग्जिट कर दिया, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो सो दैट आई कैन वेट फॉर यू बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ है। मेरे क्लास में काफी लोग हैं, बट ज्वाइन 26 लोगों ने करा है खाली। सो इफ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, हैंड रेज कर दो या चैट बॉक्स में लिख दो। नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्विकली ऑन योर स्क्रीन, स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर अ प्रोसेस एक्स टू बी वीकली स्टेशनरी प्रोसेस। वेरी सिंपल, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड। ओके,
टाइम्स अप 24 लोगों ने आंसर करा है एंड 22 गिव द करेक्ट आंसर दैट कोवेरियंस ऑफ एक्सटी कमा एक्सटी एक्सटी प्लस के शुड डिपेंड ऑन द लैग के ओनली, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टू बी वीकली स्टेशनरी. इसका एक्सप्लेनेशन का कुछ जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट करा है. सो दिस टाइम वी हैव कोमल एज द फास्टेस्ट. वेरी गुड कोमल. एंड वापस से देखो टॉप थ्री है मेरे ब्यूटिफुल, थ्री गर्ल्स. चलो कोमल ने फास्टेस्ट करे, वेरी गुड. एंड ऑलमोस्ट इफ यू सी द लीडर बोर्ड पॉइंट्स एकदम पास पास में, सो इट्स वेरी इजी टू टेक ओवर. अभी शुरू के क्वेश्चन में लीड बना लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग को पता है बात के क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाले हैं. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. अगर कोई भी ऐसा है जिसको कुछ दिक्कत है इन कनेक्शन, हैंड रेज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन के बाद मत बोलना कि मैम ये हुआ वो हुआ. ओके सो द थर्ड क्वेश्चन, द ऑटो कोरिलेशन एट लैग जीरो इज वेरी 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 सिंपल अगेन. ऑप्शंस सबने आंसर कर दिया है, सबने आंसर कर दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं सबने नहीं करे, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी भी. 25 पीपल हैव आंसर्ड. ओह अनडिफाइंड जीरो. कौन है ये तीन लोग, कहाँ से आए ये तीन लोग, ये ऐसे ही आ गए खाली एबीसी में टिक करने. इनको कुछ इन्होंने पढ़ा नहीं एक्चुअली. सो यस द करेक्ट आंसर इज 1. ACF at lag 0 is obviously 1. Gamma 0 by gamma 0, gamma naught by gamma naught is 1. Let's see again kisne fastest kare. And we have Anmol. Arre va. Dekh lo tum log bas. Dekh lo. Hamare pichle quiz ka winner aa chuka hai top 3 mein. Ye kabhi bhi upar wapas ja sakta hai. वापस से इसको प्राइज मनी अगर आप लोग नहीं देना चाहते हो तो प्लीज आ जाओ क्विकली. वी हैव मधु लीडिंग एंड कोमल. सो दीज आर टॉप 10 पीपल. अगर आप लोग इस लीडर बोर्ड में नहीं हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग बहुत ज्यादा नीचे हो, बट आप इन टॉप 10 में नहीं हो, दैट्स इट. ठीक है, सो द डिफरेंस इज नॉट दैट ह्यूज. आप कवर अप कर सकते हो इन कमिंग क्वेश्चन. यश इज इन द 10th पोजिशन. यश यू कैन इजिली कवर अप बिकॉज यू कैन सी ज्यादा गैप नहीं है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर अप कर सकते हैं. चलो फोर्थ क्वेश्चन क्विकली. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ टर्निंग पॉइंट टेस्ट इफ देर आर 100 पॉइंट्स इन द डेटा एंड 59 टर्निंग पॉइंट्स. थ्री डेसिमल तक ही लिखना है. सौरभ गिव अप मत करो, कोई बात नहीं, गिव अप मत करो. मेक श्योर 3 decimals तक ही लिखना. कोई बात नहीं सौरभ, हो जाएगा. दो लोगों ने आंसर कर दिया है एंड वी हैव 20 seconds टू गो. अच्छा इसमें और ज्यादा टाइम देना चाहिए था मुझे. And the time's up. Out of almost 30 people, just got 10 answers. जिसमें से the correct answer is -1.396. Let's see. एक जन ने correct answer दिया है maybe. Let's see किसने दिया है. I gave 60 seconds to this question because I thought आप लोग turning point test का तो question expect कर ही रहे होगे और आप लोग खोल के रखोगे अपना table book उसी page पे. जहाँ पे उसमें एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस इसका लिखा रहता है. सो दिस आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट ठीक है चलो लेट्स सी. खाली 10 लोगों ने आंसर किया. दिस वाज द क्वेश्चन जहाँ पे यू कैन ट्रूली हैव स्कोर्ड. लेट्स सी कौन है जिसने करेक्ट आंसर दिया है. दीदी मेरा कैलकुलेटर में 1.395 आया. नहीं नहीं ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है. आकांक्षा हैज आई थिंक ओनली आकांक्षा गिव द करेक्ट आंसर. आई डोंट नो. And Akansha is the fastest. Very good, Akansha. Very good. Akansha, kahan hai? Hand raise karo.
थैंक यू मैम बोल रही है, हैंड रेज करो सो दैट आई कैन सी यू. अच्छा तुम्हारा कैमरा ऑफ है. चलो वेरी गुड आकांक्षा, देख लो शी केम ऑन द टॉप. आई थिंक वो लीडर बोर्ड में थी भी नहीं बिकॉज दिस वॉज द डिसाइडर क्वेश्चन. This was the decider question. Chalo, abhi aur bhi aise decider questions aayenge. Moving on to the fifth question. Bahut simple tha, aap log ko actually bas calculation karna tha. Expectation variance nikalna, test statistics to hume pata hai. Right? So, okay, great. Moving to the next question. Which of the given processes is always stationary? Very simple. I have almost all of you answering the questions. दो लोग नहीं, दो या तीन लोगों ने अभी तक नहीं करा है. कौन नहीं है? दो तीन लोग जो है. And the correct answer is MAQ. छह लोग जो ये ARP और Arima लिख रहे हैं. अब एक ही बच्चा मुझे बोलेगा मैम Arima PDQ has to be stationary. नहीं, आप उसको D times डिफरेंस करोगे उसके बाद वो स्टेशनरी बनेगा. ठीक है, सो वेरी गुड, 18 ऑफ यू करेक्टली आंसर. लेट्स सी किसने यहाँ पे फास्टेस्ट करे. सो अगेन वही है, जिसने फास्टेस्ट किया होगा आंसर तो सब सही कर रहे हैं, पर फास्ट किसने किया है. एंड वी हैव आई थिंक अयान. आई थिंक अयान इज द फास्टेस्ट. वेरी गुड अयान, वेरी गुड, वेरी गुड. यू आर इन द फिफ्थ प्लेस. आप इजिली फर्स्ट पोजिशन पे आ सकते हो. And you can see the leaderboard. Abhi bhi Akansha is leading for that one question which she correctly answered. Very good, Akansha. Chalo. Avanti, still you can come on top. You can make it. Koi dikkat nahi hai. Zyada gap nahi hai. You can see. Coming to the sixth question. Mere chat box mein kya likha hai aap logo ne? Okay. So coming on to the sixth question. Dekhte hai sixth question kya hai? Which of the following statement is true? True. Yaad rakhna, a time series is a five seconds to go and time's up, time's up, time's up, time's up, time's up. A stochastic process, discrete time set and continuous state space. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन है. सेवन पीपल रॉन्गली आंसर्ड. ये 16 में से देखते हैं किसने सबसे फास्टेस्ट करा. वेरी 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 बेसिक क्वेश्चंस, येट समटाइम्स इट बिकम्स कंफ्यूजिंग, राइट? सो देखते हैं किसने सबसे फास्टेस्ट करा है. एंड आई थिंक दिस टाइम वी हैव वंदिता. आई थिंक वंदिता इज द फास्टेस्ट. वेरी गुड. एंड देखो वो सीधा फोर्थ नंबर पे आ गई. वेरी गुड वंदिता, वेरी गुड. द डिफरेंस इज अगेन, अब देख लो बस आकांक्षा, आपने जो इतना डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बनाया था, वो ज्यादा बचा नहीं है. तो अगर आपको टॉप में रहना है आपको बहुत फास्ट आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, ओके ग्रेट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. काफी टाइम है आप लोग को लीडर बोर्ड में आने के लिए. एटलीस्ट यू कैन कम टू द लीडर बोर्ड इन टॉप 10. चलो, find covariance ETXT for AR1 process where ET follows normal 0, sigma square. Very simple question, in fact, very simple. जिन्होंने sums करे हुए हैं उनके लिए. And we have 15 seconds to go. 15 people, 20 people answered. Okay, so time's up. And sigma square is the correct answer. Alpha into sigma square nahi hota, mu plus sigma square nahi hota. Bahut simple hai. Aap AR1 process kaise likhte ho? Alpha mu plus beta XT minus 1 plus ET. Right? To aap usko isse karo compare. XT minus 1 and ET. Iska covariance kya aega? Zero. Past value, future error. No relation, no covariance, zero. So ET comma ET का covariance है sigma square. आप लोग को लिखना भी नहीं था इसमें, you just have to think. आपको लिखना भी नहीं था, just can expand AR1 process easily. जो बच्चे लिख रहे थे बैठ के, लिखने का कुछ नहीं था. And
एक बच्चा है यहाँ पे जो इतना स्ट्रेस में आ रहा है क्वेश्चन में, सौरभ ऐसे एकदम ऐसे टर्निंग पॉइंट टेस्ट देख के तो उसने गिव अप कर दिया। उसका एक्सप्रेशन, जिसने भी क्वेश्चन नहीं किया वो उसका एक्सप्रेशन पक्का देख रहा होगा, उसने गिव अप कर दिया, वो नहीं होगा, वो ढूंढ रहा है बस टेबल बुक में, फिर बोला नहीं होगा, छोड़ दिया उसने, उसने आंसर लिखा ही नहीं, उसने एकदम गिव अप कर दिया। क्यों ऐसा सौरभ? गिव अप मत करो, इजी क्वेश्चन है और तुम हर लाइव क्लास अटेंड करते हो, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, जो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर रखे हैं आप लोग नहीं जीतने वाले हो, दैट इज इट इज वॉट आई हैव सेड। ठीक है, तो अगर जीतना है तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ओके, इन इवन इफ यू विन आपको नहीं मैं प्राइज दूंगी बिकॉज आप कैमरा ऑन नहीं कर रखे हो। मूविंग ऑन, लेट्स सी किसने फास्ट किया सबसे, एंड दिस टाइम वी हैव आई थिंक काजल। काजल इज फास्टेस्ट, काजल इज फास्टेस्ट, वेरी गुड काजल, वेरी गुड। देखो थर्ड पोजिशन, ओ यश यश, देख लो आज तुम इस क्विज में जीतने वाले हो, बस जो तुमको इतना दिन से था ना कि जीतना है, बस देख लो यश टॉप पे हो। ठीक है, लेट्स सी, एंड काजल इज एट द थर्ड प्लेस। सार्थक देख लो लीडर बोर्ड में आके कैसा फील हो रहा है, टॉप 10 में आके अच्छा फील हो रहा है, वेरी गुड, अच्छा फील होना भी चाहिए। एंड जील, इसने लिखा था आई विल नॉट अटेंड द क्विज एंड नाउ शी इज देयर इन टॉप 10, ये चीटिंग है, ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। चलो मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। ओके, फॉर MAQ प्रोसेस, चार ऑप्शन देखो क्या है सामने एंड यू हैव 10 सेकंड्स टू गो। टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओ ओ, कितने लोगों ने लिखा 5K इज इक्वल टू 0। 5K आपका 0 कब होता है, PACF 0 कब होता है, फॉर ARP प्रोसेस, राइट, कट ऑफ होता है फॉर ARP प्रोसेस। आपका ACF कट ऑफ होता है इन केस ऑफ MAQ व्हिच इज रो के, इसीलिए मैंने जानबूझ के रो और 5 डाला इंस्टेड ऑफ ACF एंड PACF, क्योंकि बहुत लोग उधर कंफ्यूज होते हैं, राइट, काफी लोग ऐसे अपना फेस पे हिला रहे हैं कि हाँ हम उधर होते हैं कंफ्यूज। सो ओनली 11 पीपल करेक्टली आंसर्ड आल्सो, ऑल्दो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी, ओके, कोमल ने फास्टेस्ट आंसर करा है, वेरी गुड कोमल, दिस इज द सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जिसने इसने फास्टेस्ट करा है। सौरभ ऐसा फेस बना रहे हो क्या, क्यों ऐसे डिप्रेस मत हो, तुम थोड़ा एक्साइटेड रहो। यश अभी भी फर्स्ट है, काजल इज आती थर्ड पोजिशन, एंड सार्थक फिर से चले गया लीडर बोर्ड से। सो वी हैव सृष्टि इन द फोर्थ पोजिशन, वंदिता फिफ्थ। सो यू ऑल कैन इजीली, इफ यू आर देयर इन द लीडर बोर्ड, यू ऑल कैन इजीली कम टू टॉप 3, एंड अगर आप इसके थोड़ा नीचे हो, आपको आपका पॉइंट्स पता है सबको जो लीडर बोर्ड में नहीं, यू ऑल कैन जस्ट कम अप क्विकली। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी सा क्विज है, बहुत इजी सा क्विज है, जस्ट यू हैव टू बी रियली क्विक, डिस्ट्रैक्शन सब भूल जाओ। 9th क्वेश्चन देखो, XC दिया हुआ है एंड कौन सा प्रोसेस है बताना है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम। टाइम्स अप, टाइम्स अप, एंड ओ फिर भी लोगों ने गलत आंसर किया है। इट्स अर्मा 1,2, यू हैव XT -1, खाली एक टर्म है ये वाला, सो इट्स AR1, P इज 1 बेसिकली, एंड यहाँ पे दो हमारे एरर टर्म्स हैं, सो इट्स 2, Q इज 2, सो इट्स अर्मा 2। जिसने भी अर्मा 1,0 ये भूल गया देखना, ये दो लोग की ये अरिमा नहीं था, ये अर्मा था, ठीक है, 1,02, तो ये दो लोगों ने मे बी दे थॉट दिस टू बी अरीमा एंड उन्होंने इस पे कर दिया टिक, नेवर माइंड, लेट्स सी कि इन 17 लोगों में सबसे फास्टेस्ट किसने करा है, लेट्स सी। एंड वी हैव आई थिंक मेघा, नहीं आई थिंक अयान, अयान ने फास्टेस्ट, वेरी गुड अयान, वेरी गुड, देख लो कहाँ था वो लीडर बोर्ड में भी नहीं था, नाउ ही इज इन द 4th प्लेस। एंड जो हमारा लास्ट टाइम का क्विज विनर है,
he's in the 10th place. Yash is still leading, Kajal second, and Shrishti third. Very good, Shrishti. Very good. Dekho. So, aise hi hota hai change. One question can change your life. Dekhte hai next question. 10th question on your screen. Which of the following statement is false? ध्यान से करना, false पूछा है. किसी ने नहीं आंसर किया अभी तक. ओके, वी हैव 5 seconds टू गो एंड अ लॉट ऑफ यू हैव आंसर क्विकली क्विकली क्विकली. ओ, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. खाली बी. सो द एस, द पीएसी है. Okay, the PACF and ACF are equal at lag 1. For stationarity, the value of roots should be greater than 1. Aapse question tha ki which of these are false. Theek hai? To yahan pe agar aap dhyan do is wale mein, likha hua hai, it should be greater than 1. But greater than nahi, absolute value should be greater than 1 hota hai. Right? To ye cheez missing tha. And let's see, दो लोग कौन हैं जिन्होंने सही आंसर करा है. The absolute value is greater than one. So read the question correctly. रचेता ने, and who's the second one जो leaderboard में नहीं है जिसने correct answer किया क्या? रुचिता ने. Okay, रुचिता and रचेता दोनों ने correct answer किया. Very good, very good girls, very good. And रचिता is, रुचिता, I hope तुम काफी ऊपर आ गई होगी अब in your points. Let's see. Very good. This can be your changing point. Next time, maybe you can come in the leaderboard. So we have Rachita and Ruchita. Very good girls. Very good. Kyunki yahan pe tha, the absolute value should be greater than that, right? So you have to read the question very correctly. So ab man mein soch lo ki aap log bach gaye ki aap log ke question paper mein MCQ nahi aata, because these are the kind of MCQs which comes. And aap log yahi galti karke aate ho, fir aap log बोलते हो कि यार MCQs बहुत डिफिकल्ट थे. तो आप लोग बल्कि थैंकफुल हो जाओ कि MCQ नहीं आता, क्योंकि आप लोग को आता नहीं है MCQ क्वेश्चंस आंसर करना. उफ, खाली दो लोग. चलो 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेस ऑफ नॉन स्टेशनैरिटी. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. 10 seconds टू गो. And the possible causes of non-stationarity is all of the above. Agar time series co-integrated hai, to wo stationary nahi hota. Usko hum karte hain solve. Fir deterministic trend agar ek hume dikh raha hai, to wo nahi hota. Trend removal aap karte ho, yaad karo. And then a deterministic cycle. Jaise maine bola seasonal effect hota hai, jaise hamare cyclical effect hota hai. Agar ye sare hain, to aapka process is not स्टेशनरी. जो हम लोग ट्रेंड रिमूवल करते हैं, मूविंग एवरेजेस करते हैं, वो सारा इसीलिए करते हैं. सो ओनली 15 पीपल करेक्टली आंसर. लेट्स सी कौन है ये एंड किन्होंने हाईएस्ट करा है. यश इज द सेम थिंग. सार्थक, अरे वाह सार्थक, आ जाओ सामने. ये मैं चाह रही थी कब सार्थक आएगा फर्स्ट. वो एकदम प्रिपेयर होके 2-3 पेन लेके बैठा था. सार्थक एक बार बस मैं चाहती हूँ तुम अनम्यूट करके सबको बताओ कि तुमने कैसे फास्टेस्ट ये वाला क्वेश्चन आंसर किया है. जस्ट योर स्ट्रेटजी ताकि. हाँ. कुछ नहीं, वाईफाई रीस्टार्ट करा. क्या वाईफाई रीस्टार्ट किया? ओ इससे तुम्हारा इंटरनेट स्पीड. ये देख लो ट्रिक. जिन लोग स्लो कर रहे हो, जाओ जाके, मैं वेट कर रही हूँ, वाईफाई रीस्टार्ट करके आओ एंड फिर बस बुद्धि मत लगाना, कुछ भी टिक करना ना, फास्टेस्ट हो जाओगे. ये सार्थक का टिप था हमारा, प्रो टिप टू बी द फास्टेस्ट. वेरी गुड. ओके, तो लेट्स मूव ऑन. देख लो टाइम सीरीज का बेसिक क्वेश्चंस है, तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आप लोग को थ्योरी पोर्शंस काफी अच्छे से रीड करना है. ये सारे मेरे क्वेश्चंस जो है ना, सारे मेरे नोट्स हैं. यू विल गेट दिस लाइन समवेयर और द अदर. जो मैंने इतना पेजेस का आप लोग को नोट्स लिखवाया है ना, समवेयर और द अदर यू विल गेट दिस ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज द 12th क्वेश्चन.
To find the optimal smoothing parameter, we use this following function. R का question है. I can give you a hint. आप लोग course notes खोल सकते हो. 10 seconds में अगर you can do that. 17, 18, 20 लोगों ने आंसर किया. Time's up. Time's up. अरे आंसर तो कर दिया करो. Negative marking नहीं होता. एंड में अगर 1 सेकंड बच रहा होता है आंसर कर दिया करो. नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. सो वी हैव ओनली 8 पीपल करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन. मुझे पता था ये लोग होंगे, ऐसे 7 लोग, इसीलिए मैंने ये HW डाला. HW फंक्शन हम नहीं यूज करते, ये मैंने पर्पसली डाला था. तो ये 7 लोग फंस गए मेरे जाल में. सो देखो यहाँ पे बीटा इज फॉल्स, गामा इज फॉल्स. वाई? बिकॉज ये दोनों, हम लोग जब एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग करते हैं, हम लोग सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग करते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जहाँ पे हम कोई भी साइक्लिकल ट्रेंड और वो सब नहीं यूज करते. इसके बाद सारे क्वेश्चन आर के हैं, नहीं मिक्स मैच है, सारे आर के नहीं है. सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर. वेरी 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 गुड ऑल ऑफ यू ऑल, जिन्होंने ये सही से किया है. 8 people, these 8 people are the ones who are truly studying actually. Let's see कौन है ये 8 लोग जो हैं. And actually this was a decider question. Fastest करा है, we just have these many people correctly answering and Yash ने fastest करे. Very good Yash, very happy, very good. And see Aman, Manas, Ruchita, these people are not there in the leaderboard and abhi aa chuke hain hamare leaderboard mein. Very good, very proud of you Ruchita, very good, very good. Manas, Aman, Yash, all of you jinhone 8 logon ne jinhone sahi answer kiya. Acha Saurabh, tumne kiya tha sahi answer? Aise karu agar kiya tha to? Nahi kiya tha, kyun? Easy tha ye. Chalo, easy in the sense jo log padhe ho aur un log ke liye easy tha. Aa ja next question mein. Question 13, halfway through हम लोग अभी. डायग्नोस्टिक चेक्स कैन बी डन बाय फॉलोइंग. देखो 10 seconds, 15 seconds क्विकली. एंड टाइम्स अप, टाइम्स अप. इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ रेसिडुअल्स. यस, हम रेसिडुअल्स को चेक करके बोल सकते हैं ना कि हमारा मॉडल सही था कि नहीं. टर्निंग पॉइंट टेस्ट भी हम चेक करते हैं. इंस्पेक्शन ऑफ SPF, SACF एंड SPACF ऑफ द रेसिडुअल्स हम चेक करते हैं अगेन. सो ये तीनों इज बेसिकली समथिंग विच इज रिलेटेड टू चेकिंग द रेसिडुअल्स. दैट इज वॉट वी डू इन आर डायग्नोस्टिक चेक्स. ऑल ऑफ द अबव वाज द करेक्ट आंसर. देखते हैं कौन है. काफी लोगों ने सही किया, वेरी गुड. फास्टेस्ट किसने किया है? दैट इज आई थिंक मानस ने किया है फास्टेस्ट. यस, वेरी गुड मानस. मानस का मैसेज आया था, मैम मुझे अटेंड करना ही है क्विज एंड उसके फैमिली में कोई फंक्शन था. एंड सी मानस एकदम फास्टेस्ट आंसर करे. वेरी गुड मानस, यू कैन कम अप इजीली. ज्यादा गैप नहीं है एज यू कैन सी. चलो 14th क्वेश्चन. 50% ऑफ द क्विज इज डन. 50% वॉज वेरी सिंपल. अब आते हैं 50% विच इज नॉट सो सिंपल, राइट? देखते हैं. चलो कैलकुलेट द वेरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वेयर ईटी फॉलोज नॉर्मल 0.1. 3 decimal प्लेस है, याद रखना. 35 seconds टू गो. फिफ्टीन लोगों ने आंसर किया खाली अभी तक. 16. टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप. दीज आर द क्वेश्चन. ओके, 2.063 काफी लोगों ने आंसर किया एंड द करेक्ट आंसर इज 2.063. वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली कि कितने. 3 पीपल हैव करेक्टली आंसर्ड एंड ये सारे भी ऑप्शन. ये सिग्मा कौन लिख दिया, किसने लिख दिया? ओफ, कौन ही है सिग्मा वाला? लिखा था तो यहाँ पे 1. देखो यही होते है गलती.
2.063 इस बच्चे ने टू नहीं कंसिडर करा, ठीक है जैसे भी, लेट्स सी ये कौन है, थ्री डेसिमल प्लेसेस मैंने तीन बार बोला था, देख लो सही है बट अगेन थ्री डेसिमल तक था, बट ठीक है देखते हैं कौन है ये तीन लोग जिन्होंने सही आंसर करा है। सार्थक, वंदिता एंड कोई है जो लीडर बोर्ड में नहीं है, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड जिसने सही आंसर किया है सो दैट आई कैन नो, जस्ट रेज योर हैंड प्लीज। कौन है, अरे हैंड रेज करो, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट यूज दिस फीचर हैंड रेज वाला। कोई नहीं है, पता नहीं, कोई इनविजिबल है। एंड सार्थक इस, तो सार्थक ने वापस जाके अपना वाईफाई रीस्टार्ट किया है, देख लो वो फास्टेस्ट है, तो अभी भी अगर कोई फास्टेस्ट नहीं है तो जाके अपना वाईफाई रीस्टार्ट करो। सो दिस इज लीडर बोर्ड, 10th पोजिशन पे मानस है, ये नहीं समझ में आया हुआ क्या इसमें, दैट वी कैन डिस्कस। अच्छा सार्थक आप आ जाओ सामने, बताओ कैसे किया ये सॉल्व क्वेश्चन, में पीछे नहीं जा सकते। हाँ बोलो, एरर टर्म का मतलब जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर का सम, ईटी का जो टर्म्स होता है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर का सम। समझ में आया अभी, ठीक है। नॉर्मली आप जैसे वेरिएंस निकालते हो राइट, इट्स वेरी सिंपल, उसका स्क्वायर का सम, आपको खाली उसका पूरा वेरिएंस निकालना था बेसिकली एक्सटी का, बहुत सिंपल, ठीक है। सार्थक ने किया, वंदिता ने किया एंड किसी और ने भी किया है जो सामने नहीं आ पा रहा, उसको छुप के रहना है। एंड सार्थक वॉज द फास्टेस्ट, लेट्स सी सार्थक आ गए 4th पोजिशन पे। तो मैं आई वाज सेइंग दैट मानस इज एट द 10th पोजिशन एंड 7268 इसका पॉइंट्स है, तो आप लोग अपना पॉइंट जो लीडर बोर्ड पे नहीं हो आप मैच कर सकते हो इसके साथ, सो यू कैन कम ऑन द लीडर बोर्ड। हमारा लास्ट टाइम का विनर इज नॉट देयर यहाँ पे, आई थिंक नहीं, कहाँ चला गया पता ही नहीं। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स दैट यू शुड अप्लाई टू द रेसिडुअल्स आफ्टर फिटिंग अ मॉडल टू द टाइम सीरीज। वेरी सिंपल, आफ्टर फिटिंग अ मॉडल आप क्या टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। पोर्टमैंटियो टेस्ट भी करते हो, ये सारा कुछ डायग्नोस्टिक चेक्स में आता है। टाइम सीरीज टू में डायग्नोस्टिक चेक्स में पढ़ते हो ना, पोर्टमैंटियो टेस्ट, जंग बॉक्स टेस्ट एंड टर्निंग पॉइंट टेस्ट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो ये सारा कुछ बेसिकली टेस्ट और रेसिडुअल्स। तो देखते हैं किसने फास्टेस्ट के, काफी लोगों ने सही करा है, सो आई थिंक दिस टाइम काजल, काजल वॉज फास्टेस्ट, वेरी गुड काजल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यश, काजल, अयान, दिस इज द टॉप थ्री, यू कैन सी देयर इज ओनली वन गर्ल। अरे मुझे और भी चाहिए, आ जाओ सामने, सृष्टि, कोमल, रचिता, वंदिता। तो लीडर बोर्ड में ये 10 लोग हैं, ये लीडर बोर्ड काफी चेंज हो रहा है मेरा, वी जस्ट लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन। 11 मोर क्वेश्चंस टू गो, तो आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एकदम क्विकली आप लोग को अगर जीतना है सो ऑल कैन जस्ट कम अप राइट। चलो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ। अंडर द बॉक्स जेनकिंस प्रोसेस अप्रोच व्हिच वन ऑफ द स्टेप इज नॉट करेक्ट व्हेन फोरकास्टिंग टाइम सीरीज, नॉट करेक्ट है याद रखना, नॉट करेक्ट। 10 seconds, 8 seconds, 3, 2 and 1, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये एंड ओनली 7 पीपल करेक्टली आंसर्ड। रिप्लेस, चलो देखते हैं, मैंने पहली बात तो बोला था नॉट करेक्ट है, रिप्लेस ऑल अननोन पैरामीटर्स बाय द एस्टिमेटेड वैल्यूज, जो बीटा के टर्म्स होते हैं, जो आपके अल्फा के टर्म्स होते हैं, अगर म्यू है तो म्यू होता है, तो ये सब कुछ किससे रिप्लेस होता है आपका, आपके एस्टिमेटेड वैल्यूज से राइट, जो आप करते हो अपने सेकेंड स्टेप में, सेकेंड या थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप में इनफैक्ट।
रिप्लेस ऑल द नोन रैंडम वेरिएबल्स बाय देयर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज व्हिच इज ऑब्वियसली व्हाट यू डू. अगर आप एक्स टी प्लस वन कर रहे हो फोकस, तो आप उसके पहले के सारे टर्म्स आपको मालूम है, आप उसको रिप्लेस करते हो. रिप्लेस ऑल अननोन रैंडम वैल्यूज बाय देयर एस्टिमेटेड वैल्यूज. अगर आप आगे का वैल्यूज आपको पता नहीं है, अगर आप एस टी प्लस टू फोकस्ट करो, आपको एक्स टी प्लस वन भी नहीं पता, आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे. सो रिप्लेस जो अननोन है, यू कैनॉट रिप्लेस दैट. यू कैनॉट रिप्लेस अ अननोन रैंडम वेरिएबल, राइट? यू कैनॉट डू दैट. एंड ये सारा अगेन E1, E2, these are all the what we know. ये सारे observed values के साथ इसको हम करते हैं replace, so option C. Let's see कौन है ये 7 जिन्होंने सही answer किया है. And fastest करा है मधु ने. Very good मधु. And see, देखो leaderboard पे नहीं थी मधु and now she is there in the 7th place. Very good मधु. Very good. Very good. चलो. Yes, Shrishti Kajal still leading and Vandita is in the 10th place. Ajo. Next question. Excitement lo thoda. Tum log camera on nahi karoge jab tak. Aap log ek dusre ko dekhoge nahi to kaise excited hoge. Sarthak, switch on your camera. Kya hua? Wi-Fi bacha rahe ho kya? Aise nahi hoge. Aise koi cancer nahi kar paoge. Itna Wi-Fi bacha ke. Madhu, Pavni. Issue. Nahi. Kuch mat bolo. Khali apna camera on karo. मजबा, दिशा, मंशु, सौरभ ने पता नहीं लीव कर दिया, इशिता, अयान, आकांक्षा, प्लीज स्विच ऑन द कैमरास ऑल ऑफ यू. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाने वाली. अयान, प्लीज स्विच ऑन द कैमरास. ओके, चलो 17th क्वेश्चन. ज्यादा नहीं बचे, अभी 10 क्वेश्चन ही बचे हैं खाली. इन आर विच फंक्शन वी यूज टू ऑब्टेन बोथ द मूविंग एवरेज एंड सीजनल मीन. वेरी वेरी सिंपल. 10 सेकंड्स टू गो. एंड टाइम्स अप. 24 लोगों ने किया डीकंपोसी. भाई मैं बोल रही हूँ जिनको आर नहीं, जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है ना अभी तक टाइम सीरीज, वो भी आंसर कर पाते. पहली बात तो होल विंटर्स हमने पहले अभी जस्ट देखा, तो ये तो होता ही नहीं. आपको पता है प्रिडिक्ट फंक्शन से आप आगे का वैल्यूज प्रिडिक्ट करते हो, ना कि आप अपने प्रोसेस का मूविंग एवरेज या सीजनल मीन निकाल सकते हो. और डिफ फंक्शन से आप क्या करते हो, डिफरेंस करते हो, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को. सो डीकम्पोज बचा हमारा, राइट? सो लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किए. काफी लोगों ने सही आंसर किए, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. सबसे फास्टेस्ट किया है आई थिंक दिस टाइम वंदिता ने. वेरी गुड, यस वंदिता, वेरी गुड. एंड शी इज, ओ लीडरबोर्ड चेंज नहीं हुआ हमारा, ठीक है, ग्रेट. तो यही हमारा लीडरबोर्ड का पोजीशन है. यश लीडिंग, देन वी हैव सृष्टि एंड देन वी हैव काजल. वेरी गुड, यू ऑल कैन कम अप स्टिल. कोई डिसहार्टन मत हो एंड सब लोग प्लीज स्माइल करो. ओके, सो 18th क्वेश्चन. बहुत छोटा क्वेश्चन आज का. स्टेट विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट इफ वी वांट टू कैलकुलेट पीसीएफ ऑफ अ प्रोसेस एक्स टी फॉर लैग के. टेन सेकेंड्स टू गो. And time's up. Okay. हमें करना था प्लॉट PACF. फर्स्ट ऑप्शन पहले तो मैं बता दूं क्यों सही नहीं है. आप इसको रन करके देखो, आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर ACF ही आएगा इधर. सो देर इज नो ऑप्शन कॉल्ड PACF इक्वल टू ट्रू. एंड यहाँ पे वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड वाई नॉट द लास्ट वन, बिकॉज लास्ट वाले में आपका प्लॉट आएगा, वैल्यूज नहीं आएंगे. इसमें आपका प्लॉट नहीं आएगा, वैल्यूज आएगा. करेक्ट है. एंड वी हैव 10 पीपल करेक्टली आंसरिंग. सो यस, जिन्होंने आर पढ़ा है टाइम सीरीज का, खाली वही आंसर कर पाएंगे. लेट्स सी कौन है ये 10 लोग एंड किसने फास्टेस्ट किया है. ओ ग्रेट, ये चारों ने तो किया ही नहीं है. अगेन सी, वेरी गुड वंदिता, वेरी गुड. देख लो
वेरी गुड. और स्टार्टिंग की ये तीन चार लोगों ने तो किया ही नहीं था करेक्ट आंसर, ये अभी भी पिछले अपने क्वेश्चंस के वजह से आगे हैं. दैट इज वेरी बैड थिंग एक्चुअली. सी अमन आ गया सेकंड पोजीशन पे. कहाँ है अमन, जल्दी से अनम्यूट करो. यस मैम. और बताओ कैसे तुम, पहली बार तो कैमरा ऑन करो. मैम मैं घर पे नहीं हूँ एक्चुअली, तो काफी बस तुम तो कभी घर पे नहीं रहते हो, कभी नहीं, मैम एक्चुअली 10 डेज से बाहर हूँ. अच्छा ठीक है, बोलो कैसे तुम सेकंड पोजीशन पे आ गए. नहीं मैम वो स्ट्रेटजी बताओ. वो एसीएस देख लिया इसलिए. नहीं नहीं मैम, वाईफाई वही है. वाईफाई वही है, ठीक है चलो. इसने नहीं करा रीस्टार्ट वाईफाई को. एंड वेरी गुड अमन. एक्चुअली ऑल ऑफ यू मोस्टली सब हमारा लाइव क्लास अटेंड करते हैं, सो सी दैट इज एडवांटेज. 19th क्वेश्चन, ये इजी होगा पता नहीं शायद. द आर कोड वी यूज टू अप्लाई सीजनल डिफरेंसिंग एन टाइम्स. अप्लाई सीजनल डिफरेंसिंग एन टाइम्स. जिनको नहीं आ रहा वो गैस लगा रहे हैं. दिशा ऐसा फेस बना रही कि मामी क्या क्वेश्चन दिया मैम ने. मैंने पूरा एकदम कोर्स नोट से उठा के क्वेश्चन दिया. ओके सो इट इज, अब मैं बता रही हूँ मुझे पता था कि ये करने वाले. यू आर सीजनल डिफरेंसिंग एन टाइम्स. आप वहां पे बेसिकली कोई, ये जो दो बच्चे सबसे पहले हैंड रेस करो कौन है, मुझे इनसे एक चीज पूछना है. इसने वंदिता एंड हुएल्स नहीं पता. वंदिता क्या मुझे, यू कैन टेल मी थ्योरी इसका, आप कैसे लिखोगे सिग्नल डिफरेंसिंग एन टाइम्स इन टर्म्स ऑफ बी बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर. क्योंकि एन का अगर हम लोग का हर एन टाइम पीरियड पे अगर सीजनल ट्रेंड है तो इसलिए हम लोग लाख को एन लेंगे एंड डिफरेंस को वन ही लेंगे क्योंकि हम लोग एक बार ही डिफरेंस करते हैं. मतलब हम लोग नहीं, मेरे को खाली सुनना है कि ओ अच्छा xt minus xt minus n. वेरी गुड. सो इट्स बेसिकली 1 minus b to the power n, राइट? b to the power n आप कर रहे हो. तो इसमें आप डिफरेंस एक बार कर रहे हो, इसका मतलब आप कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस एक ही बार कर रहे हो, बट आप लाग n ले रहे हो ना. 1 minus b to the power n bracket xt कर रहे हो बेसिकली. सो xt minus n कर रहे हो आप, या फिर xt plus n minus xt, whatever, आप कैसे भी लो उसको. सो आपका लैग यहाँ पे n हो रहा है क्योंकि आप सीजनल डिफरेंसिंग n टाइम्स का मीनिंग है कि आप सीजनल डिफरेंसिंग आप n लैग्स ले रहे हो बेसिकली एंड डिफरेंसिंग आप एक ही बार करो, ठीक है. सो दैट वाज द ट्रिक यहाँ पे. अब अगर किसी को लग रहा है कि ये मैम आउट ऑफ नोवेल आ रही है, आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट. ये पूरा एग्जैक्ट आपके कोर्स नोट का है, ये पूरा लाइन इनफैक्ट कोर्स नोट का है सब कुछ. सो दिस वॉज द ट्रिक. लेट्स सी सेकेंड किसने करा है. दो जन है, एक तो वंदिता और किसने करा वो किसी ने बोला नहीं अभी तक मुझे. सो वंदिता एंड लेट्स सी वो कहाँ जाती है. ओ ग्रेट, देख लो एक पोजीशन से सीधा सेकेंड पोजीशन पे. वेरी गुड वंदिता, वेरी गुड. कौन है दूसरा जिसने करेक्ट आंसर किया और जो नहीं बोल रहा, ये कोई हिडन है जो छुपा रहा है हमसे, जो लीडर बोर्ड पे भी नहीं है. आई डोंट नो, सर खेल रहे हैं क्या दूसरे फोन से, देखना पड़ेगा. चलो लेट्स सी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन. खाली 7 क्वेश्चंस और बचे हुए आपके. टू एनालाइज द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ आर MA3 मॉडल वी नीड टू टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. यहाँ पे MA3 इज द नेम ऑफ द मॉडल जो हमने दिया है एंड E इज द नेम ऑफ द अगेन अ मॉडल जो हमने दिया, ठीक है. MA3 इज द नेम ऑफ द मॉडल बेसिकली, MA3 वाला. ओके सो इट इज TS-DAG जिसे हमें पता चलता है वी कैन टेस्ट आर मॉडल. डायग्नोस्टिक चेक परफॉर्म करते हैं ऑन एनी ऑफ द फिटेड मॉडल, ठीक है. खाली TS नहीं, खाली TS से बेसिकली यू मेक अ चेंज इट इनटू अ टाइम सीरीज प्रोसेस. सो दैट इज नॉट TSDAG. E is basically the residuals हम नहीं डाल रहे हैं, predict obviously नहीं है. So let's see किसने fastest करा है. Again 13 people correctly answer.
एंड फास्टेस्ट किया है दिस टाइम आई थिंक इट्स अयान, नहीं काजल, ओ वेरी गुड काजल, फोर्थ पोजिशन, वेरी गुड, वेरी 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 गुड काजल, वेरी गुड। बस ऐसी दो तीन और क्वेश्चन कर लो एंड यू विल कम एट द टॉप। चलो सृष्टि, मधु, काजल, कोमल, देख लो बस, देख लो गर्ल्स को, देख लो मेरे गर्ल्स को, देख लो बस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 ओके। टीपी डॉट टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर, बहुत सिंपल थे, 5 seconds टू गो। स्टेशनैरिटी, वेरी गुड। जो रेसिडुअल्स बोल रहे हैं, जो इनवर्टिबल रैंडम एरर बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी, ये बेसिकली इन्होंने पढ़ा नहीं है। ओके, तो ऐसा क्या है, देखते हैं। अब हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे जो लीडर बोर्ड पे नहीं है। सो लेट सी, सबसे पहले तो किसने फास्टेस्ट किया है। वी हैव सी अयान एंड अमन ने नहीं दिया सही आंसर। फास्टेस्ट आई थिंक सृष्टि, ओ मेघा ने करा है, वेरी गुड मेघा, वेरी गुड, वेरी गुड मेघा, वेरी गुड मेघा ने, देखो फास्टेस्ट करा है। जस्ट क्यों ऐसा अनमोल, कहाँ चले गए तुम, तुमने पढ़ा नहीं है आर प्रोग्रामिंग? पढ़ा मैम। तो फिर क्या हो गया आज? अब वो बोलेगा मैम आपका नजर लग गया, इतना बोले इतना बोले, लाइव क्लास में भी आप नहीं छोड़े, ऐसा नहीं है अनमोल, तुम थोड़ा और अच्छे से करो, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, रुचिता कितना पॉइंट है तुम्हारा? अभी भी यू हैव आई थिंक 6 क्वेश्चंस, यू कैन एटलीस्ट कम अप इन द लीडर बोर्ड, एंड आई थिंक अगर 8432 है तो तुम एक तरीके से आ सकती हो टॉप 3 में, अगर ये सब गलत करें और तुम सही करते जाओ, ठीक है। दिस इज द ट्रिक, अब वो गलत करें वो कैसे होगा नहीं, ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। चलो पावनी ने पहले ही अपना कैमरा ऑफ कर दिया कि मैं नहीं पूछे दीदी में से, क्या हुआ पावनी नहीं पढ़ा क्या? दी आर क्लासेस फिनिश नहीं की है। ओ ठीक है, मैंने आर का काफी इंक्लूड किया है, लाइक नॉट 50-50 बट काफी क्वेश्चन, बिकॉज टाइम सीरीज इज एक्चुअली मोर प्रोबेबल इन आर, तब आप लोग को आर का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि टाइम सीरीज के क्वेश्चन जनरली आर में आते हैं। अवंती क्या हुआ, लीडर बोर्ड पे क्यों नहीं हो? टाइम निकल गया वोट करने से पहले। ओह अरे भाई, ये ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी कर दो एबीसीडी में से। चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बस खत्म होने वाला यार हमारा क्विज। 22 क्वेश्चन नंबर 22, चलो To fit an Arma P, Q model, we use which of the following? Again, R से question दे दिया मैंने। And time's up, time's up, time's up. The correct answer is Arima. अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। Arima XT order is P, 0, Q, ये एक बच्चे जिसने करा है, ये गलत है, बिकॉज Arima में ये चीज आप अगर रन करो तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। सेकेंडली यू हैव टू फिट अ मॉडल, सो यू यूज Arima। नाउ मुझे पता है यश पूछेगा कि हम Arima ACF कर सकते हैं, तुम ये पूछोगे, ये वाला पूछ रहे हो, कुछ नहीं पूछ रहे हो, ऐसी हैंड रेज करा, नहीं बोलो क्या? हम वो थर्ड ऑप्शन कर दिया था। नहीं नहीं, हाँ तो ये गलत है, ये गलत है, इसको रन करके देख लो, सारा आंसर्स वेरिफाइड है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इट्स Arima, सो बेसिकली इट्स एक्सपेक्टिंग कि आप उसमें क्या डालोगे, P, 0, Q, आप तीनों चीज डालोगे, दैट इज व्हाई द नेम इज Arima, राइट? ओके, सो जस्ट गिव मी वन सेकंड, सो लेट्स मूव, लेट्स सी किसने सही फास्टेस्ट करा है, बिकॉज काफी लोगों ने सही आंसर किया इसमें, जिनको आर नहीं भी होता होगा वो भी कर दिया होगा, उन्होंने भी कर दिया होगा देख के सही। यश ने गलत करा एंड दीज आर द पीपल, मधु इज द फास्टेस्ट, वेरी गुड मधु, मधु कहाँ हो, ओ मधु वेरी गुड, देख लो तुम आ सकती हो फर्स्ट, ठीक है।
एंड यश तुम भी देख लो, वो आ सकती है फर्स्ट. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. लीडर बोर्ड मेरा चेंज नहीं हो रहा, अभी अटक गया. अभी यही लोग हैं टॉप 10 में, ऐसा क्यों हो रहा है? डिसहार्टन मत हो, अभी भी आ सकते हो एटलीस्ट. इट्स नॉट अबाउट पॉइंट्स, इट्स अबाउट प्लेइंग. ऐसे एकदम मस्ती में खेलो बस. ओके 23rd क्वेश्चन. टू फोकस द नेक्स्ट एन वैल्यूज फ्रॉम अ फिटेड टाइम सीरीज जिसका नाम फिट है, आप उसके क्या फंक्शन डालोगे? बहुत सिंपल ही वाला. जिनको आर नहीं आते, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी सिंपल है. यू यूज प्रिडिक्ट फंक्शन. यू यूज प्रिडिक्ट फंक्शन. एन डॉट अहेड आप देते हो इक्वल टू एन. ठीक है, ये क्यों गलत है? क्योंकि आप इसको डालो, आपका नहीं आएगा आंसर. एन आपको डॉट या तो डालना पड़ेगा या तो खाली एन डालने से आपका नहीं आएगा. राइट, सो लेट्स सी. किसने फास्टेस्ट किया? काफी लोगों ने सही आंसर किया है. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया है. एंड वी हैव कोमल एंड सार्थक ने नहीं किया सही आंसर. मेघा. वेरी गुड मेघा, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अभी भी यश इज लीडिंग एंड वी हैव मधु एंड सृष्टि, टॉप 3 कैंडिडेट्स. नेक्स्ट आई थिंक 2 क्वेश्चंस टू गो है, 3 क्वेश्चंस टू गो है. दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन. सब एक अच्छा सा स्माइल दे दो, बहुत मेहनत से हमने क्विज बनाया है एंड ग्रेट. चलो ओके लेट्स सी. द एसटीएल फंक्शन इज सिमिलर टू डीकम्पोज फंक्शन इन दैट इट सेपरेट्स सेपरेट्स आउट द फॉलोइंग. एसटीएल के आउटपुट बेसिकली प्लॉट में जो आउटपुट आते हैं, इतना भी हिंट दे दिया. चलो काफी लोगों ने आंसर कर दिया है. 5 सेकेंड्स टू गो. टाइम्स अप. एंड आपका आता है ऊपर में डेटा, देन यू गेट द ट्रेंड, देन यू गेट द सीजनल वेरिएशन एंड देन यू गेट द वाइट नॉइज और द रेसिडुअल. एंड ये मैंने अपने लास्ट लाइव क्लास में जो मैंने लिया था पेपर बी का, उसमें भी डिस्कस किया था. दीज आर द 4 थिंग्स विच यू गेट इन द प्लॉट एरिया. ठीक है, यहाँ पे यू डोंट गेट द ACF, यू डोंट गेट द PACF. यहाँ पे डेटा इज नॉट मेंशन, यू गेट द डेटा ट्रेंड सीजनल एंड देन द रेसिडेंस. दिस इज वॉट यू गेट इन द STF फंक्शन. लेट्स सी किसने फास्टेस्ट किया. ओनली 8 पीपल करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन, जिससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत नहीं ध्यान दे रहे हो आर पे. इनफैक्ट तो कोमल सृष्टि काजल सार्थक ने करेक्ट. कोमल इज द फास्टेस्ट. वेरी गुड कोमल, वेरी गुड कोमल ने काफी सारे आंसर फास्ट किए इनफैक्ट. चलो यश को बीट करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे. खाली सृष्टि और काजल ट्राई कर सकते हो, इवन मधु कैन ट्राई. वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस टू गो. यश मन में सोच रहा है नहीं करे नहीं करे नहीं करे ये सही आंसर. चलो नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन. ये थोड़ा इजी होगा, बस एकदम रेडी हो जाओ फास्ट आंसर करने के लिए. ठीक है चलो. टू प्लॉट अ टाइम सीरीज XT वी यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. सबने आंसर कर दिया है. अरे कौन है, करो बाकी. कोई 2-3 लोग हैं जो कर ही नहीं रहे आंसर. ठीक है, सो टाइम्स अप. TS डॉट प्लॉट यूज करते हैं, TS डीआर नहीं करते, खाली TS फंक्शन नहीं करते, प्लॉट फंक्शन नहीं करते, वी यूज TS डॉट प्लॉट फंक्शन. वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ एक्चुअली अब टेस्ट होगा आपका वाईफाई कैसा है. तो जो जीतेगा वो अपना वाईफाई ऑपरेटर या फिर जो भी इंटरनेट ऑपरेटर का नाम हमें बताएगा. लेट्स सी एयरटेल. ओके वी हैव आई थिंक कोमल, नहीं काजल. वेरी गुड काजल. काजल क्या है तुम्हारे वाईफाई ऑपरेटर का नाम? इज इट एयरटेल? दी सीक्रेट रख रहे नहीं, सीक्रेट तुमको क्या करने है सीक्रेट रख के बताओ हमें. एयरटेल देखा जो एयरटेल क्लेम करता है ना स्पीड का, देख लो बस मेरे पास भी एयरटेल है बस मैम, इसलिए. मैम हाँ वो सृष्टि है. मेरा वाईफाई अटक गया था तो आई वाज सेइंग टू वेट. कौन सा वाईफाई है तुम्हारा, कौन सा वाईफाई है? मैम जियो है. बस समझ जाओ ना, अब समझ जाओ.
जियो और एयरटेल अब समझ जाओ सब लोग, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है आई मेरे एग्री को। जियो बहुत स्लो है। चलो सब लोग समझ जाओ अब, हम लोग कोई यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये एकदम लाइव एग्जाम्पल है बस, कुछ नहीं, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी भी कंपनी को, ठीक है। चलो यश इज स्टिल लीडिंग एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। मोस्टली यश के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी है, उसको लग रहा है वो जीत गया। तो बस एक ही चीज हो सकता है कि यश गलत आंसर करे और सृष्टि सबसे फास्टेस्ट आंसर करे, तभी यश नीचे जाएगा और सृष्टि ऊपर आएगी, ठीक है। क्या बोलना है? यस आकांक्षा मैम, जो कोर्स नोट्स है उसमें एक जगह लिखा हुआ है वी कैन आल्सो यूज प्लॉट एक्स टू प्लॉट द टाइम सीरीज। आप डायरेक्टली ts.plot यूज करते हो बट टू प्लॉट द टाइम सीरीज। भाई मैं बोल रही हूँ ना, उतना मत घूमो वहां पे, आपको प्लॉट फंक्शन यूज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू यूज ts.plot एंड आप उसमें अपना डालो, वो अपने आप टाइम सीरीज में कन्वर्ट होगा एंड अपने आप आपका प्लॉट आ जाएगा। प्लॉट फंक्शन यूज करने के लिए आपको काफी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। Okay. तो हम इसीलिए मैंने वो कराया भी नहीं क्लास में, ठीक है। सो यश कौन सा ऑपरेटर है तुम्हारे घर पे वाईफाई का? मैम जियो। और सृष्टि देखते हैं ना जियो। चलो जियो और जियो, जियो वर्सेस जियो होने वाला है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन जीतता है। ओके ऐसा नहीं है, ये दोनों भी गलत कर सकते हैं। चलो 26 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल होने वाला है बट आपको फास्टेस्ट करना है अगेन, ठीक है। ट्रस्ट मी बहुत सिंपल होगा ये भी। लास्ट क्वेश्चन, वील अप्लाई द जंक बॉक्स टेस्ट टू Ma3 मॉडल वेदर रेसिबल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन ई। सो ई इज द ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम रेसिबल्स एक्सट्रैक्ट करें। 15 सेकेंड्स टू गो। ये मैंने एकदम एक्चुअली दिस ऑप्शन ट्रस्ट मी, ये मैंने पता नहीं क्यों, मुझे लगा नहीं करना चाहिए यार, हेल्प टैप तो रहता ही है, बट मैंने सोचा कि चलो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिक, एंड मैंने जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्विज आई चेंज दिस क्वेश्चन। इसमें मैंने क्या किया था, फिफ df नहीं डाला था एंड इट वॉज नॉर्मल बॉक्स डॉट टेस्ट स्मॉल t के साथ, बट मैंने सोचा चलो टेस्ट करते हैं नॉलेज कि कितने अच्छे से कौन पढ़ता है। एक्चुअली इट्स स्मॉल टी एंड कैपिटल बी। ये अगेन ये ऐसा आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछेगा बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव द हेल्प टैब, आपको उससे हेल्प मिल जाएगा कि आप लोग कौन सा स्मॉल टी कैपिटल टी। टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन आई गेट कन्फ्यूज स्मॉल टी कैपिटल टी में, बट जस्ट यू नो टू ट्रिक यू ऑल मैंने जान बूझ के डाला है। And एकदम जस्ट क्विज स्टार्ट होने के पहले मैंने ये चेंज किया था ऑप्शन, दिस ऑप्शन। सो इट्स एक्चुअली बॉक्स डॉट टेस्ट विद स्मॉल टी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ई हम रेसिडुअल्स जो है वो डालते हैं, देन डैग इज के, ऑब्वियसली आप डालोगे टाइप में, दो टाइप होते हैं, हम लोग जंग बॉक्स कर रहे हैं तो हम लोग वो लिखते हैं, एंड ल्यूंग होता है, जंग होता है, बहुत जन ऐसे बोलते हैं, मैं जंग बोलती हूँ। एंड फिर tf इज 3 विच बेसिकली आप बताते हो कितना आपको डिफरेंसिंग करना है। So, let's see, कौन है ये एक जन, किसने किया है सही, हैंड रेस करो। अरे कौन है सामने, ये वही है क्या वो हिडन इंसान जो नहीं बता रहा, कौन है ये ऐसा? चलो देखते हैं। दिस वॉज एक्चुअली किसी ने, कोमल ने किया है सही, वेरी गुड कोमल, see, very good, and Yash is the winner. But एक second, कोमल से मुझे एक चीज पूछना, कोमल unmute करो, I think कोमल के answer पे हाँ। हाँ कोमल, तुमको कैसे पता चला कि small t capital t? पता नहीं, ध्यान दिया जो समझ आया कर दिया, फिर पता था। Very good, very good, see, very good. मैंने एकदम पर्पसली चेंज किया था ये, वेरी गुड कोमल, वेरी हैप्पी। सो यश इज द विनर। वो बोलते हैं ना कि एकदम यश का पहले दिन से था कि मुझे क्वेश्चन जीतना है, मतलब उसके जो उसका वो था ना कि मुझे जीतना है, उसके आईज में था ड्रीम, वो आज पूरा हो गया। एंड अनमोल, बहुत अनमोल को मन में गुस्सा आ रहा है, कैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसको, बट कुछ नहीं कर सकते। यस यश कैसा फील हो रहा है बताओ,
एंड कैसे तुमने पढ़ा है, कितने बार पढ़ा है, क्या तुमने रिवाइज किया क्विज के पहले, बताओ हमें। मैम बहुत ही स्ट्रेसफुल था, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल, ज्यादा क्लोज हो गया था, माय गॉड। हम तो मतलब देख रहे हो इसको जीतना था क्विज, देख रहे हो, बस ये होना चाहिए, ये दिस शुड बी एक्चुअली, दिस इज व्हाट आई वांट, वेरी गुड अर्श। हां बोलो कैसे प्रिपेयर किया आज तुमने, किया कुछ भी टाइम सीरीज का प्रिपेयर? हां बस मैंने 5 बजे से बस एक बार नोट्स पढ़ा था और कुछ नहीं, और मैंने टाइम सीरीज 4 वीक पहले पढ़ा था। इतना भी मत बनो, ठीक है, 4 वीक पहले, अभी तो हम लाइव क्लास रख रहे थे थोड़े दिन पहले तक, 4-5 डेज पहले तक। हाँ रिवीजन हो रहा था पर मैंने खुद से 4 वीक पहले पढ़ा। बस ठीक है, बस ये नहीं बोलना था तुमको, 4 वीक पहले पढ़ा। ओके वेरी गुड, वेरी 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 गुड, बट आई एम वेरी हैप्पी कि लास्ट टाइम से काफी ज्यादा लोग आए हैं, अभी भी काफी लोग नहीं आ रहे क्विज में। आई विल कीप द क्वेश्चंस वेरी सिंपल, आई जस्ट वांट यू ऑल ऑफ यू ऑल टू पार्टिसिपेट। एंड देखो हमने स्टार्ट किया था अराउंड 6:15, अभी 7:50, सो जस्ट 1 आवर, एंड मैंने लास्ट 2 वीक्स पहले आई थिंक रखा था क्विज, सो जस्ट यू नो आप लोग को थोड़ा रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा, आप लोग को पता भी चलेगा आप लोग कहाँ गलत जा रहे हो। एंड बहुत बार क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन से समझ में आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो आप लोग मे बी गलत समझ रखे होंगे अभी तक, बट अब जाके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सो दिस ऑल्सो हैपन्स एंड आई एम वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन यश, आई एम वेरी 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 हैप्पी बिकॉज इसका बहुत टाइम से मन था जीतने का, एंड एक्चुअली ही हैज वर्क वेरी हार्ड बिकॉज ही इज ऑलवेज देयर इन ऑल ऑफ माई लाइव क्लासेस आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से पढ़ता है। सौरभ खाली एक चीज बताओ, इतना क्यों तुम स्ट्रेस ले रहे थे और ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे तुम, व्हाट वाज द रीजन? मैम आर का रिवीजन नहीं किया तो कुछ आ नहीं रहा था। तो अब समझ में आ रहा है ना, और टाइम सीरीज याद रखो आर में पक्का आएगा, आर में हमेशा आते हैं, जस्ट दैट लास्ट टाइम नहीं आया था बिकॉज लास्ट टाइम पेपर ए में 2 क्वेश्चन आ गए थे आर के, बट टाइम सीरीज के तो बहुत प्रोबेबल है, इसीलिए मैंने काफी इंक्लूड किया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोगों ने अटेंड किया, वेरी वेरी हैप्पी, आई होप यू ऑल एंजॉयड एटलीस्ट फॉर दिस 1 आवर ऑन संडे, एंड यू ऑल टुक आउट टाइम ऑन योर वीकेंड, वेरी हैप्पी। चलो नेक्स्ट क्विज कब होगा आई विल इन्फॉर्म यू, नेक्स्ट वीक तो नहीं होगा, अगेन मे बी आई विल गिव यू अ 2 वीक टाइम। यस सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड चलो दैट्स इट। Yes.